हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सभी एकदम बढ़िया होंगे। दोस्तों, क्योंकि आजकल लोग बाग घर पर बैठे बैठे वेब सीरीज और मूवीज ही देखना पसंद कर रहे हैं, तो हमने सोचा हमारे व्यूअर्स के लिए इसी से जुड़े किसी टॉपिक पर वीडियो बनाते हैं। आज का हमारा ये टॉपिक खास तौर पर VFX तकनीक पर आधारित है। दोस्तों, आजकल मूवीज में VFX की कितनी भरमार है ये हमें आपको बताने की जरूरत नहीं। वो दिन दूर नहीं जब शायद मूवीज बनाने के लिए एक्टर और एक्ट्रेस की भी जरूरत नहीं होगी। हॉलीवुड मूवीज ने तो VFX तकनीक को ही आधार बना लिया है। साथ ही दोस्तों, ये बात बिल्कुल सच है कि अब बॉलीवुड की फिल्में हॉलीवुड से कुछ कम नहीं है। इसकी मुख्य वजह VFX यानी कि विजुअल इफेक्ट्स तकनीक है। दोस्तों, आपको बता दें, आजकल की मूवीज में VFX तकनीक का बहुत इस्तेमाल किया जाता है। हॉलीवुड में VFX तकनीक से ही बहुत शानदार सीन फिल्माए जाते हैं। अब इंडिया में भी VFX का काफी इस्तेमाल होने लगा है। तो दोस्तों, आज की हमारी इस वीडियो में हम आपको हॉलीवुड और बॉलीवुड की कुछ ऐसी ही मूवीज के बारे में बताने वाले हैं जिसमें VFX तकनीक का यूज किया गया है। दोस्तों, वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसलिए वीडियो में हमारे साथ अंत तक जरूर बने रहिए। तो देर किस बात की है, चलिए शुरू करते हैं। डेडपूल। दोस्तों, डेडपूल मूवी तो आपने जरूर से देखी होगी, और अगर नहीं भी तो हम आपको बता दें, ये हॉलीवुड की एक एक्शन कॉमेडी मूवी है। मूवी वाकई काफी बेहतरीन है और इसमें दिखाया गया हर एक स्टंट यकीनन आपको हैरान कर देगा। दोस्तों, मूवी की खास बात ये थी कि इसमें मौजूद हाईवे, सिटीज, गाड़ियां और तो और मेन कैरेक्टर्स डेडपूल भी कंप्यूटराइज किया गया था। अगर कम शब्दों में कहा जाए तो लगभग 90% मूवी सीन्स VFX से फिल्माए गए थे। हालांकि इन्हें देखकर थोड़ा सा भी ऐसा महसूस नहीं होता कि ये कंप्यूटर जनरेटेड हैं। इस मूवी का सबसे वायरल सीन इसमें डेडपूल को प्लेन से नीचे कूदता हुआ दिखाया जाता है। वो सब कुछ भी ग्रीन स्क्रीन की मदद से ही फिल्माया गया था। उड़ने के लिए पुतले के पीछे रस्सियां बांधी गई थी और पीछे से एक एयर टैंक की मदद से हवा छोड़ी जा रही थी। साथ ही दोस्तों, आप वीडियो में साफ साफ देख सकते हैं कि किस तरह से जलने वाले स्पेशल इफेक्ट में भी VFX का इस्तेमाल किया गया था। फास्ट एंड फ्यूरियस पार्ट 2। दोस्तों, इस मूवी की थीम के बारे में शायद हमें आपको बताने की जरूरत नहीं। मूवी वर्ल्ड वाइड काफी पॉपुलर रही थी और मूवी के तमाम स्टंट्स किसी के भी रोंगटे खड़े कर देने वाले थे। मूवी में गाड़ियों की धूम धड़ाम देखकर आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और जहन में केवल यही सवाल खड़ा होता है कि आखिर किस तरह इन दृश्यों को फिल्माया गया होगा। दोस्तों, सबसे खास बात यह है कि डेडपूल मूवी की तरह इसमें सब कुछ कंप्यूटर जनरेटेड नहीं है। यहाँ कई स्टंट असली में किए गए थे, कई गाड़ियों को हकीकत में तोड़ा और गिराया गया था, लेकिन वो सीन्स जिन्हें देखकर आप सबसे ज्यादा हैरान हुए उन्हें ग्रीन स्क्रीन की मदद से ही फिल्माया गया था। प्लेन से गाड़ियों को गिराने वाले सीन में VFX तकनीक से स्पेशल इफेक्ट दिया गया था। इस सीन के एक गाड़ी को किसी मशीन से अटैच किया गया था, फिर इसमें रियल एक्टर को बिठाया गया और गाड़ी को कुछ इस तरह घुमाया गया था जैसे कि कुछ ऐसा लगे मानो गाड़ी हवा में ही लहरा रही हो। हालांकि एक्टर की सेफ्टी का पूरा ध्यान रखा गया था। इस मूवी में रेतीली जगहों पर कई सारी गाड़ियों को रियल में गिराया गया था ताकि मूवी काफी रियलिस्टिक लगे। इस मूवी का वो सबसे बेहतरीन सीन जिसमें एक गाड़ी को एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग में गिरता दिखाया गया था, उसके लिए गाड़ी को इतनी बड़ी बिल्डिंग से तो नहीं, लेकिन हाँ, एक छोटी बिल्डिंग से जरूर बाहर फेंका गया था। दोस्तों, इन्हीं रियल दृश्यों की वजह से मूवी इतनी बेहतरीन लगी। एक पल के लिए भी हमें ऐसा एहसास नहीं हुआ कि मूवी में थोड़ा भी VFX का इस्तेमाल किया गया है। वाकई इस सीरीज के डायरेक्टर की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। तो दोस्तों, अगर आपको भी फास्ट एंड फ्यूरियस सीरीज पसंद हो तो इस वीडियो को लाइक करते चलिए। लाइफ ऑफ पाई। दोस्तों, फिल्म जगत में छाई रही लाइफ ऑफ पाई मूवी आप में से अधिकतर लोगों ने देखी होगी, और अगर आपने नहीं भी देखी हो तो हम आपको बता दें, ये मूवी पाई पटेल नाम के एक लड़के की है जो किसी शेर के साथ एक जहाज में फंस जाता है। और इस पूरी मूवी में यही दिखाया गया है कि किस तरह दोनों समुद्र के बीचों बीच जहाज में अपना समय बिताते हैं। मूवी इमोशंस, थ्रिलर और सस्पेंस से भरी है, लेकिन हम आपको बता दें, इस मूवी में दिखाए गए सभी दृश्य ब्लू स्क्रीन पर बनाए गए और यहाँ पर शेर की जगह ब्लू कलर का पुतला यूज किया गया था। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आपने। जिस तरह आप मूवी में देखते हैं कि कैसे पाई तूफान में समुद्र के बीच मौजूद जहाज में खूंखार शेर के साथ फंसा होता है, असल में वो खूंखार शेर एक ब्लू कलर का पुतला होता है। साथ ही आपको बता दें, वहां समुद्री तूफान नाम की कोई चीज मौजूद नहीं थी, बल्कि सब कुछ ब्लू पर्दे पर शूट किया गया था। द जंगल बुक। दोस्तों, थ्रिलर, एक्शन और ड्रामा से भरी इस मूवी ने बच्चों के साथ साथ बड़ों को भी खूब एंटरटेन किया था। मूवी का कॉन्सेप्ट काफी यूनिक था।
जो इसकी पॉपुलैरिटी की मुख्य वजह बनी। मूवी में कई सीन इतने बेहतरीन है कि एक बार में इन्हें देखने पर विश्वास ही नहीं होता है कि ऐसा भी कुछ संभव है। दोस्तों, इतने घने जंगल और इतने सारे जानवरों को एक ही पर्दे पर उतार देना कोई आसान काम नहीं था। लेकिन दोस्तों, जैसा कि आप साफ साफ देख सकते हैं किस तरह मूवी के सभी सीन्स को एक नीले पर्दे के सामने शूट किया गया था, जिन्हें बाद में एक घने जंगल का रूप दे दिया गया। मूवी में मौजूद एक भी जानवर असली नहीं था। इस मूवी के लिए जानवरों के पुतले तैयार किए गए थे, जिन्हें हेल्पर्स अपने हाथों में पकड़कर सीन शूट करवाने में मदद कर रहे थे। आपको एक पल के लिए भी मूवी का कोई सीन नकली नहीं लगेगा। मूवी को काफी ध्यान से छोटी बारीकी को ध्यान में रखते हुए पर्दे पर उतारा गया है। रोबोट। दोस्तों, बात जब VFX मूवी की चल रही है तो रजनीकांत स्टारर मूवी रोबोट को कैसे नजरअंदाज किया जा सकता है। मूवी जब आई थी तो सिनेमा जगत में तहलका सा मच गया था। पहली नजर में इस तरह के सीन देखकर सभी हैरान रह गए थे और सोच में पड़ गए थे कि आखिर इस मूवी के इतने खतरनाक दृश्यों को किस तरह फिल्माया गया होगा। ये कहना गलत नहीं होगा कि रजनीकांत की मूवी रोबोट दर्शकों के दिलों पर आज भी राज करती है, जिसकी मुख्य वजह रजनीकांत की शानदार एक्टिंग तो थी ही, साथ ही साथ मूवी में दिखाए गए कई ऐसे सीन भी थे जिन्हें देखने के बाद लोग हैरान रह गए। मूवी का कॉन्सेप्ट भी दर्शकों के लिए नया था, सब कुछ पहली बार जैसा था। मूवी में कई ऐसे जबरदस्त सीन हैं जो हॉलीवुड की अच्छी अच्छी मूवीज को फेल करते हैं। दोस्तों, ये सारा VFX का ही कमाल था जिसने इस फिल्म को एक अनोखा टच दिया। हालांकि पूरी मूवी में ही VFX की भरमार थी, लेकिन फिर भी एक सीन जिसके बारे में हम आपको बताएं, जिसमें चिट्टी रोबोट बने रजनीकांत ने अपने ही सर को आगे की तरफ निकाल कर रख दिया था। अब आप खुद ही देखिए ये सीन किस तरह फिल्माया गया था। तो दोस्तों, अगर आपको भी रजनीकांत और उनकी मूवी रोबोट पसंद है तो वीडियो को लाइक करके हमें जरूर बताइए। बाहुबली। दोस्तों, रोबोट मूवी के बाद किसी मूवी ने अगर सबसे ज्यादा दर्शकों को हैरान किया था तो वो थी फिल्म बाहुबली। ये मूवी वर्ल्ड वाइड पॉपुलर रही और मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर कमाई के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। इस मूवी के बाद इंडियन डायरेक्टर्स ने यह साबित कर दिया था कि VFX का इस्तेमाल करने में भारत भी किसी से पीछे नहीं है। सीधे और साफ शब्दों में कहा जाए तो ये पूरी मूवी ही VFX तकनीक से ही बनी है। इस फिल्म का एक सीन जो सबसे चर्चित रहा वो कुछ इस तरह था, जिसने एक सांड और अभिनेता राणा डग्गुबती की लड़ाई वाले दृश्य को फिल्माया गया था। बाद में इससे जुड़ा एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें साफ तौर पर देखा गया कि शूटिंग के दौरान विशालकाय सांड कोई और नहीं बल्कि फिल्म के मुख्य हीरो प्रभास थे, और प्रभास ही अपने हाथ में एक नकली सांड का सिर लिए शूट कर रहे थे। अब आप देख ही सकते हैं VFX क्या है, किस तरह एक इंसान को भी सांड की तरह फिल्माया जा सकता है। वाकई हम टेक्नोलॉजी में कितना आगे निकल गए हैं ना। आपका क्या मानना है आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। चेन्नई एक्सप्रेस। दोस्तों, आपको ये जानकर जरूर हैरानी होगी कि हमने हमारी इस लिस्ट में चेन्नई एक्सप्रेस को क्यों शामिल किया है। लेकिन दोस्तों, ये बिल्कुल हकीकत है कि शाहरुख खान स्टारर मूवी चेन्नई एक्सप्रेस में VFX की भरमार थी। अब दोस्तों, आप ही बताइए, भला एक कुल्हाड़ी से किसी गाड़ी को थोड़े ना उलटकर पलटा जा सकता है, और अगर शाहरुख खान किसी ट्रेन में रियल में शूट करते तो क्या पब्लिक इतनी आसानी से उन्हें शूटिंग करने देती, यूं कहें ट्रेन बंद ही करनी पड़ जाती। दोस्तों, इस मूवी में पूरी ट्रेन का सीन एक स्टूडियो में बने नकली ट्रेन के डिब्बे में शूट किया गया था, जिसके पीछे हरा पर्दा था। वहीं दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि इस मूवी के डांस के दौरान दिखाए गए पीछे के नेचुरल सीन्स भी हरे पर्दे का इस्तेमाल करते हुए VFX की मदद से दिखाए गए थे, क्योंकि दोस्तों एक सीन के लिए अलग अलग लोकेशन पर जाना काफी मुश्किल और टाइम टेकिंग है। वहीं दोस्तों, मूवी के तमाम फाइट सीन्स भी VFX की मदद से दिखाए गए थे। बैंग बैंग। दोस्तों, ऋतिक रोशन स्टारर बैंग बैंग मूवी जब आई थी तो काफी चर्चा में रही थी। मूवी में मौजूद कई दृश्य हैरान कर देने वाले थे। ऋतिक रोशन का फिल्माया एक सीन तो आपको याद ही होगा, जो सोशल मीडिया पर कई दिनों तक वायरल भी रहा था। ये वो सीन था जिसमें ऋतिक रोशन आग के सामने स्टाइलिश वॉक करते हुए नजर आए। अब दोस्तों, जरा आप ही सोचिए, किसी भी इंसान के पीछे इतनी भयंकर आग लगी हो तो वो अपनी स्टाइलिश वॉक कैसे कर सकता है। अब आग की गर्मी तो उतनी ही तेज होगी ना जितनी होती है, लेकिन दोस्तों ये गर्मी तो तब होगी ना जब आग असल में लगी हो। असल में सीन में ऋतिक रोशन हरे पर्दे के सामने इतने स्टाइलिश वॉक कर रहे थे। ये सारा खेल VFX का ही था जिसने मूवी को एक स्पेशल टच दिया था।
तो दोस्तों कैसा लगा आपको VFX तकनीक से जुड़ी इन मूवीज के बारे में जानकर? साथ ही दोस्तों, आप VFX से बनी बॉलीवुड फिल्म्स ज्यादा पसंद करते हैं या फिर हॉलीवुड? कमेंट में हमें जरूर बताएं। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, और अगर हाँ तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। साथ ही इसी तरह के वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों आज के लिए फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।